सभी मित्रों को नमस्कार। आज के दिन की शुरुआत गोट के गड्ढे पड़े थे और तो पहले खड़ंजा निकाला, फिर उसमें मिट्टी डालकर बराबर करके उसमें मैंने दोबारे से ईंटों को बढ़िया करके बिठाया। मेरे लाइफ पार्टनर और मैंने बिछाने के बाद हमने इसको बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद मुझे पता चला कि किलपुरा रेंज में वृक्षारोपण है, तो मैं वृक्षारोपण कार्यक्रम में गया। वहाँ पर हमारे ग्राम खिजंडा मुस्ताजर के प्रधानपति महोदय एवं उप प्रधान एवं समस्त ग्रामवासी वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु तो आए थे। तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण किया जा रहा था। समस्त स्टाफ एवं ग्रामीणों की मदद से इन पंक्तिबद्ध तरीके से इस फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण करने हमारे रेंज ऑफिस के रेंजर साहब, माननीय प्रधान जी, उप प्रधान जी एवं समस्त स्टाफ और ग्रामवासियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। उसके बाद उस पेड़ के रख रखाव हेतु बहुत सुंदर बाड़े का प्रयोग किया, उसमें तारों से कस के ताकि आगे को खराब ना हो सके। वृक्षारोपण करने के बाद मैं निकला मार्केट की ओर, मार्केट निकला चकरपुर। चकरपुर पर मुझे अपने लाइसेंस के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट लाने थे। पवन कंप्यूटर पे गया, वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर हमारे पवन थापा जी की दुकान, इन्होंने पहले ही तैयार करके रखे थे। यहाँ से लेने के बाद मैं आया पोखरिया स्वीट हाउस, मिठाइयों को देखकर रोक ना सका। मैंने देखा कि रंग बिरंगी मिठाइयाँ बनी हुई हैं, जो 20 या 25 प्रकार की वैरायटी हैं, शुद्ध देसी घी में एवं डेयरी के दूध से बनाई है बता रहे थे। तो काफ़ी बढ़िया सुंदर मिठाइयाँ देखकर सबका दिल लालच करता है ये खाने का। उसके बाद ये हमारे ऑनर हैं पोखरिया जी मिठाई के, पोखरिया वहाँ से हमारे ये राहुल भैया की सब्जियों फल की दुकान, काफ़ी सुंदर फलों से सजाए रहते हैं। यहाँ से मैंने फल लिए, फल लेने के बाद यहाँ पर के इसकी तस्वीर ली, बढ़िया करके सुंदर ढंग से सजाया था साफ सुथरे फलों के द्वारा। फिर मैं घर आया, घर पर आने के बाद मेरी बड़ी बहन घर पर आई थी, सभी का दिन